हेलो हे गाइस, वेलकम बैक एंड गुड मॉर्निंग। और आज के न्यूज़पेपर का जो एडिटोरियल और न्यूज़पेपर एनालिसिस है उसको स्टार्ट करेंगे, स्टार्टिंग विद द प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन है यहाँ पे, इसको बीच में कहीं पे भी न्यूज़पेपर के जब हम डिस्कशन कर रहे होंगे इसको डिस्कस करेंगे एक्सटेंसिव वे में कि किस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो पहला क्वेश्चन क्या है, ग्लोबल कॉम्पिटिटिवनेस रिपोर्ट के बारे में पूछा गया है। पब्लिश कौन करता है? नंबर वन IMF, नंबर टू अंकटाड, नंबर थ्री वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम और नंबर फोर है वर्ल्ड बैंक। आपने इसका आंसर तो देना ही देना है और साथ में ये भी बताना है इन चारों का हेडक्वार्टर कहाँ पे, अगर आपको पता है। बहुत इंपॉर्टेंट है हेडक्वार्टर्स, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें रहती हैं ये, आपने इस चीज़ को देखना है, ठीक है जी। चलिए न्यूज़ के साथ में स्टार्ट करते हैं। जो पहली न्यूज़ है वो क्या है, महिंदा फोर क्लिपिंग प्रेजिडेंट्स पावर। यहाँ पे हुआ क्या था कि प्रेसिडेंट बनने के बाद में ये जो महिंदा जी थे, इन्होंने जो प्राइम मिनिस्टर है उसको मेयरली एक रबर स्टैम्प की तरह बना दिया था, जो उनसे पावर्स है वो काफ़ी ज़्यादा ले ली थी। तो जो पावर है वो मेनली प्रेसिडेंट के पास आ गई थी, प्राइम मिनिस्टर के पास कोई पावर नहीं थी। तो लोग यहाँ पे, हमने पहले भी बात किया था, एक हमने बात किया था टेंट सिटी की बात की थी, तो वहाँ पे जो लोग हैं वो इकट्ठे होकर यही डिमांड कर रहे थे कि किसी ना किसी वे से जो प्रेसिडेंट है उसको हटाया जाए इस पोजीशन से, है ना, या उसको चेंज किया जाए। तो इन चीज़ों को देखते हुए हमें क्या पता चलता है कि जो प्रेसिडेंट गोताबाया राजापक्सा और पीएम महिंदा है वो अनप्रेसिडेंटेड क्रिटिसिज्म फेस कर रहे हैं, जिसको चलते हुए इन्होंने जो पावर प्राइम मिनिस्टर से ली थी वो प्राइम मिनिस्टर की जो पावर है दोबारा से रीस्टोर करते हुए दिखाई दे रही है। लेकिन बोला ये जा रहा है कंट्री की तरफ से, श्रीलंकन जो सिटीजन्स हैं वो बोल रहे हैं कि ये दोनों के दोनों भाई हैं जो वो श्रीलंका को डुबा के ही रहेंगे, ये तो उन्होंने गारंटी ले ली। नंबर टू, यहाँ पे जो आपको पता होना चाहिए वो क्या है, नो रिलीजियस प्रोसेशंस विदाउट नोड, ठीक है। तो इसमें कुछ बैकग्राउंड का कुछ ऐसा नहीं था, और आपको पता है श्रीलंका में क्राइसिस चल रहे हैं और वो क्यों चल रहे हैं वो भी आप चीज़ों को सारा कुछ जानकारी है, तो उस पर अगली न्यूज़ में चलते हैं। नो रिलीजियस प्रोसेशन विदाउट नोड, तो यहाँ पे जिस तरह से देखा जा रहा है कि काफ़ी टाइम से जो कम्युनल राइट्स की कंडीशन बन रही है, जो लोग हैं वो आपस में लड़ रहे हैं, कम्युनल हारमोनी नहीं बन पा रही, तो उन्होंने बोला कि कोई भी शोभा यात्रा, कोई भी रिलीजियस जो प्रोसेशन है उसको निकालने से पहले एक बार परमिशन लेना ज़रूरी हो जाएगा, ताकि जो पूरे सेफ्टी या लॉ एंड ऑर्डर के अरेंजमेंट्स हैं वो कर पाएँ स्टेट गवर्नमेंट की जो पुलिस है और जो स्टेट गवर्नमेंट है, ठीक है जी। तो ये आज की सेकेंड न्यूज़ थी, इसका भी कोई खास कोई बैकग्राउंड नहीं है, तो इसके बारे में भी कोई चर्चा नहीं करेंगे। नंबर थ्री, दिल्ली म्यूनिसिपल बिल गेट्स प्रेसिडेंट नॉड। यहाँ पे क्या है कि एक दिल्ली म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन अमेंडमेंट बिल आया था 2022 का, जिसमें बोला गया था जो तीन हमारी सिविक बॉडीज़ है दिल्ली की, उसको यूनिफाई करने की बात की जा रही थी इन दी नेशनल कैपिटल, मतलब दिल्ली में, ठीक है। तो ये किया क्यों गया था, यहाँ पे उसका रीज़न भी लिखा हुआ है, यहाँ पे जो मेन रीज़न बताया जा रहा है, टू इंश्योर ऑप्टिमल यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्स एंड साइनर्जी इन स्ट्रेटेजिक प्लानिंग, ये इसका एक मेन रीज़न बताया जा रहा था, जो कि यहाँ पे सिविक जो बॉडीज़ है, तीन सिविक बॉडीज़ उसको यूनिफाई करने की बात की जा रही है, जो कि पहले भी थी लेकिन बाद में अलग कर दी गई थी, तो दोबारा से अब इसको यूनिफाई किया जा रहा है। चलिए नेक्स्ट चीज़ की तरफ चलेंगे, डू नॉट प्रोवाइड एनी रिलीफ टू राजुआना कांग्रेस। श्रोमणी अकाली दल जो है पंजाब का, वो और जो कांग्रेस पार्टी उसके बीच में फेस ऑफ चला, तो यहाँ पे बात की जा रही थी श्रोमणी अकाली दल की तरफ से कि डिमांड थी कि रिलीज़ होना चाहिए बलवंत सिंह राजुआना का, कन्विक्टेड फॉर दी, बलवंत सिंह राजुआना कौन है कि कन्विक्टेड फॉर दी असैसिनेशन ऑफ फॉर्मर पंजाब चीफ मिनिस्टर बेअंत सिंह, ठीक है। तो यहाँ पे जो मिस्टर रवनीत हैं, ग्रैंडसन ऑफ दी बेअंत सिंह जिसका असैसिनेशन हुआ था जिनका, तो जो रवनीत बिट्टू हैं, मतलब जो MP ऑफ लोकसभा हैं, वो क्या बोल रहे हैं यहाँ पे, आई शिल बी एक्सट्रीमली ग्रेटफुल इफ़ यू कैन काइंडली पर्सनली इंटरवीन एंड डायरेक्ट दी अथॉरिटीज़ कंसर्न टू कंडक्ट अ डिटेल्ड इंक्वायरी इनटू दिस एक्सट्रीमली सेंसिटिव मैटर टू अनअर्थ दी रियल इंटेंशंस बिहाइंड दिस रिपीटेड रिक्वेस्ट फॉर द रिलीज ऑफ श्री राजुआना बाई दिस पोलिटिकल लीडर्स। तो यही पूछा जा रहा है, वो कहते हैं कि एक इंक्वायरी बिठा देनी चाहिए जिसमें पता चले कि इंटेंशंस क्या हैं राजुआना को रिलीज़ करवाने के पीछे, जो इतनी डिमांड की जा रही है श्रोमणी अकाली दल के द्वारा। ये चीज़, ये स्टेटमेंट कौन बोल रहा है, मिस्टर रवनीत।
ठीक है जी, चलिए नेक्स्ट न्यूज़ की तरफ चलेंगे। यहाँ पे आपको मैंने पहले भी बताया कि काफ़ी दिनों से ये जो प्रॉब्लम चल रही है, कम्युनल टेंशंस हुई हुई हैं यहाँ पे, राइट्स जैसी कंडीशन भी बनी बहुत हाई लेवल की दिल्ली में, तो वो एरिया था जहांगीरपुरी, है ना, जहांगीरपुरी। तो कोई मतलब हनुमान जयंती पे जब शोभा यात्रा जा रही थी तो वो किसी मॉस्क के सामने से गुजरने लगी, तो वहाँ पर कुछ प्रॉब्लम क्रिएट हुआ, तो उसमें कम्युनल डिसहारमनी हमने देखी, है ना। तो ये जो चीज़ थी यहाँ पे बोली जा रही है कि जो जहांगीरपुरी के रेजिडेंट्स हैं वो कहते हैं हम तो यार जो भी यहाँ पे हिंदूज या फिर मुस्लिम रहते हैं हम तो फैमिली की तरह रहते हैं, हमें कोई दिक्कत नहीं है। तो ये चीज़ें बस इस तरह से बोली जाती हैं, बाद में उसका रिजल्ट आपको पता ही है कि क्या निकल रहा है कंट्री में, हारमनी कितनी क्या वो हमें दिख रहा है। ठीक है जी, चलिए नेक्स्ट न्यूज़ की तरफ बढ़ेंगे। जो सेकेंड पेज पर न्यूज़ है वो क्या है, देखिए ये एक पोस्टर आया हुआ था जिसमें पीएम गति शक्ति को लेकर एक चीज़ बोली गई थी, ये हमें पता होना चाहिए। 75 आज़ादी का अमृत महोत्सव, ये भी आपको पता होएगा, है ना, लेकिन इसमें हमें पता क्या क्या होना चाहिए रिगार्डिंग दी पीएम गति शक्ति। पहली चीज़ तो पीएम गति शक्ति के बारे में हमें पता होना चाहिए, तो उसके बारे में चर्चा करेंगे। तो इसमें चर्चा करते हुए ये चीज़ है क्या, उसके बारे में हमें पता होना चाहिए पीएम गति शक्ति। इसको पहले एग्जांपल से समझते हैं फिर इसको पढ़ेंगे। अब सपोज़ कर लो आपने कई बार देखा होगा आपके एरिया में भी कोई यहाँ पे चीज़ है और यहाँ पे सड़क बन गई जी बड़ी अच्छे वे से। सड़क बनने के बाद में कुछ दिन बाद वो सारा अपना सामान सा उठा के आएंगे, उस सड़क को उखाड़ देंगे और कहेंगे हमने यहाँ पे सीवरेज डालना है। मतलब क्या था, लैक ऑफ कोऑर्डिनेशन है ना मिनिस्ट्रीज के बीच में। उसी के बाद में फिर आ जाएंगे कि जी हमने गैस सिलेंडर पाइपलाइन डालनी है ना, कि फिर उसके बाद में आ जाएंगे हमने जी कोई वायरिंग करनी है। तो उस सड़क बनाने का कोई काम नहीं, उस सीवरेज डालने का, तो एक कोऑर्डिनेशन ही नहीं है मिनिस्ट्रीज़ के बीच में। अगर कोऑर्डिनेशन होती मिनिस्ट्रीज़ के बीच में तो इस तरह की प्रॉब्लम्स नहीं आती। इस तरह की मतलब कि कोई भी जो चीज़ है जो उस टाइम पे होती जिस टाइम पे उसको होना चाहिए था। तो इस चीज़ को देखते हुए हमने एक प्लेटफॉर्म बनाया है जो जिसका नाम है पीएम गति शक्ति, जिसपे 16 मिनिस्ट्रीज़ जो होंगी उसको हमने वहाँ पर कनेक्टिविटी दी है। देखते हैं पीएम गति शक्ति के बारे में। अब पीएम गति शक्ति एक डिजिटल प्लेटफॉर्म है जो कि 60 मिनिस्ट्रीज इंक्लूडिंग रेलवेज ये वो को साथ में लेकर आएगा, और ये हेल्प करेगा रिमूविंग लॉन्ग स्टैंडिंग इश्यूज को सच एज डिसजॉइंटेड प्लानिंग, लैक ऑफ स्टैंडर्डाइजेशन एटसेट्रा। और ये जो पीएम गति शक्ति है ये सब्ज्यूम हो जाएगा 110 लाख करोड़ का जो पहले एक हमारा मिशन चला था, नेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर पाइपलाइन मिशन चला था जो कि लॉन्च हुआ था 2019 में, है ना, वो भी यहाँ पे इसके अंदर सब्ज्यूम हो जाएगा। अभी एक चीज़ यहाँ पे समझने वाली क्या है कि जो नेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर पाइपलाइन है वो क्या है, वो भी राज्य सेम था, इसमें कुछ भी नहीं है। एक हमने पाइपलाइन का मतलब ऐसे पाइप पे नहीं बना देनी, हमने इंफ्रास्ट्रक्चर बनाना था बहुत अच्छे वे से, चाहे वो सड़कें है चाहे वो कोई भी चीज़ है, अच्छे वे से चीज़ों को बनाना इज इंफ्रास्ट्रक्चर पाइपलाइन। उसको सब्ज्यूम कर दिया पीएम गति शक्ति में, क्योंकि इसका काम भी क्या है यहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर को क्रिएट करना इसका काम है। नंबर टू यहाँ पे देखते हैं और क्या है हमारे पास पीएम गति शक्ति के लिए। पीएम गति शक्ति के लिए नंबर टू जो चीज़ हमें यहाँ पे पता चल रही है कि इसके 6 पिलर्स हैं इंपॉर्टेंट। नंबर वन है कॉम्प्रिहेंसिवनेस। कॉम्प्रिहेंसिवली इस हर एक मिनिस्ट्री को अपने आप से प्रॉपर वे से कोऑर्डिनेट करके काम करना है। नंबर टू प्रायोरिटाइजेशन। अब मैंने आपको बताया कि पहले सड़क बना दी फिर सीवरेज डालने आ गया, तो प्रायोरिटी होनी चाहिए। प्रायोरिटी पे क्या काम है, तो वहाँ पे पोर्टल पे डाल दो कि भाई ये काम यहाँ पे प्रायोरिटी बेसिस पे होना चाहिए पहले, तो पहले वो हो फिर उसके बाद में देखते रहेंगे। नंबर थ्री यहाँ पे आता है ऑप्टिमाइजेशन। ठीक है जी, ऑप्टिमाइजेशन का मतलब है कि डिफरेंट मिनिस्ट्री को प्लानिंग के जो जितने भी प्रोजेक्ट है, आइडेंटिफिकेशन जितने भी क्रिटिकल गैप्स हैं उसके बाद में ऑप्टिमाइज करना। सिंक्रोनाइजेशन, हमने पहली बात की एक अच्छी सिंक्रोनाइजेशन होनी चाहिए। एनालिटिकल, ये जो प्लान है ये इंटायर डेटा प्रोवाइड करेगा एट वन प्लेस विद जीआई बेस्ड स्पेशल प्लानिंग एंड एनालिटिकल टूल्स। फिर उसके बाद में आता है हमारे पास डायनेमिक। ठीक है, तो ये जो प्लेटफॉर्म है वो बहुत ही ज़्यादा, इसमें जो 6 पिलर है वो डायनेमिक है कि डायनेमिक वे में यहाँ पे काम करना पड़ेगा मिनिस्ट्रीज को। और आप इसका बना सकते हो कोप, सी से कॉम्प्रिहेंसिव, ओ से ऑप्टिमाइजेशन, पी से प्रायोरिटाइजेशन, कोप, सैड, सिंक्रोनाइजेशन, एनालिटिकल और डायनेमिक। ठीक है जी, और लास्टली इसके बारे में और हमें क्या पता चल रहा है कि जो प्रोजेक्ट मॉनिटरिंग ग्रुप है वो कौन करेगा, डिपार्टमेंट ऑफ प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्री एंड इंटरनल ट्रेड, DPIIT। एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट, ये सिर्फ इतना ही इंपॉर्टेंट है, इसमें और कुछ खास इंपॉर्टेंट नहीं है, कि जो प्रोजेक्ट मॉनिटरिंग ग्रुप है वो कौन होएगा अंडर दी डिपार्टमेंट ऑफ प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्री एंड इंटरनल ट्रेड, ये चीज़ आपने याद रखनी है। चलिए नेक्स्ट न्यूज़ की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट न्यूज़ है जो हमारी, नेक्स्ट पेज पे तो कोई न्यूज़ नहीं है, अब हमें करना है एडिटोरियल। तो एडिटोरियल में सबसे पहले तो हमारे पास है एक एडिटोरियल जिसका नाम है रीविजिटिंग इंडियाज़ फेडरलिस्ट एथोस।
इसमें बोला जा रहा है कि भाई 23rd पार्टी कांग्रेस जो हुआ कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया का इन दी कनूर केरला, वहाँ पे मिस्टर स्टेलिन जी की स्पीच में से दो पॉइंट उठाए पहले तो इंट्रोडक्शन में। पहला पॉइंट यहाँ पे क्या उठाया उन्होंने बोला, फर्स्ट पॉइंट यहाँ पे जो बोलते हैं कि यार स्टेलिन ने बोला अपनी स्पीच में कि जो फेडरलिज्म है वो यहाँ पे एक मतलब जो होना चाहिए हमारी, और फेडरलिज्म आपको पता है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का मेन पार्ट भी है, लेकिन यहाँ पे उन्होंने बोला फेडरलिज्म हमें नहीं दिखाई दे रहा। और जब ये नरेंद्र मोदी गवर्नमेंट आई थी, बीजेपी गवर्नमेंट आई थी, तो वो एक फेडरलिज्म को फाउंडेशन बना के आई थी कि फेडरलिज्म के तरीके से स्टेट को साथ में इन्वॉल्व करके आगे चलना। सेकेंड यहाँ पर ये क्या बोल रहे हैं, सेकेंड यहाँ पर बोल रहे हैं कि इससे एक और भी चीज़ यहाँ पे जो दिख रही है कि रेडिकल रेवोल्यूशनरी पॉलिटिकल पैराडिगम दिखेंगे, द्रविडियनिज्म दिखेगा, कम्युनिज्म दिखेगा। और ये जो चीज़ें हैं कि फेडरलिज्म कम है, चीज़ें कम है, और हम पे कुछ ना कुछ फोर्सफुली इम्पोज किया जा रहा है, तो उससे कुछ ना कुछ चीज़ें जो हैं, मतलब ये जो द्रविडनिज्म हो गया, कम्युनिज्म हो गया, इस तरह की जो चीज़ें हैं वो मोमेंटम ले लेती हैं, ठीक है। तीसरी चीज़ यहाँ पे बोली जा रही है कि जो सेंट्रल गवर्नमेंट की पॉलिसी है अगेंस्ट दी नॉन बीजेपी स्टेट्स वो थोड़ी सी प्रॉब्लमेटिक है, उस वे से उनको देखना चाहिए चीज़ों को। चलिए फिर आगे उन्होंने बोला थ्रेट टू स्टेट ऑटोनॉमी, यहाँ पे वो बोल रहे हैं कि जो मॉडल ऑफ फेडरलिज्म है वो वॉग हो चुका है टुडे, इज टू क्वेश्चन वेदर इन इट्स करंट फॉर्म इट इज़ अ कोज एंड कॉन्सिक्वेंस ऑफ एक्सेसिव कंसंट्रेशन ऑफ पावर इन द सेंट्रल गवर्नमेंट। जो फेडरलिज्म है वो वेग एक आइडिया हो चुका है, उसका रीजन क्या है, कंसंट्रेशन ऑफ एक्सट्रीम पावर इन द सेंट्रल गवर्नमेंट हैंड्स, ठीक है। फिर उसके बाद में यहाँ पे उन्होंने बात भी की, यहाँ पे बात जो की है यहाँ पे कि किस तरह से किया जाएगा यहाँ पे, ठीक है जी। तो यहाँ पे उन्होंने बात की, सबसे पहले बात की जीएसटी के बारे में, और फिर उन्होंने बात की नीट के बारे में, ठीक है जी। तो मतलब क्या है यहाँ पे जीएसटी प्लस नीट के बारे में यहाँ पे वो बात करते दिखाई दे रहे हैं, जीएसटी प्लस नीट के बारे में कि यार जो जीएसटी इम्पोज किया गया उसकी इम्प्लीमेंटेशन देखी, या फिर नीट की जो इम्प्लीमेंटेशन हम देख रहे हैं, तो वो बार बार बोल रहे हैं हमें नीट नहीं चाहिए, तो उसको नहीं सुना जा रहा। या फिर प्लानिंग कमीशन की डिसोल्यूशन हो गया, नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल की जो स्टेटस है वो ख़त्म होता जा रहा है, तो उस तरह की चीज़ें जो हैं फेडरलिज्म को पीछे धकेल रही हैं। इस पैराग्राफ में उन्होंने ये भी बोला के जो रेवेन्यू शेयरिंग है वो बहुत ही ज़्यादा कम हो रहा है, जो जीएसटी है उसने स्टेट्स को बार्गेनिंग करने के लिए मजबूर कर दिया है, सेंटर से बार्गेन कर रहे हैं, वो बेगिंग कर रहे हैं कि भाई मुझे दो, ठीक है। तो यहाँ पे ये बहुत ही ज़्यादा सेटिस्फैक्ट्री चीज़ नहीं है। यहाँ पे जो फाइनेंस कमीशन है उसको भी यहाँ पे उन्होंने बोला सोचना चाहिए। मोर ओवर इन चीज़ों के बाद में उन्होंने बोला कि ठीक है कि तमिलनाडु को उन्होंने कुछ शेयर दिया है, और उस शेयर का नाम है कि भाई उन्होंने के एक होता ना कि परफॉर्मेंस ग्रांट दिए तमिलनाडु को, लेकिन वो परफॉर्मेंस ग्रांट हर एक बार शायद मिले ना मिले। तो इस तरह से उन्होंने बोला कि अगर हमारे पास पैसे ही नहीं आएंगे, हमारे पास रेवेन्यू नहीं होगा, तो हम लोगों का भला भी कैसे कर पाएंगे। यहाँ पे उसके बाद में बोला जा रहा है फॉर एग्जांपल इन हिज रिपब्लिक डे एड्रेस दिस ईयर तमिलनाडु गवर्नर आरएन रवि, मतलब उन्होंने यहाँ पे कंसर्न दिखाया गवर्नर्स को लेकर के, जो गवर्नर्स हैं वो स्टेट गवर्नमेंट के साथ मिलके नहीं चल रहे। यहाँ पे जो गवर्नर है उन्होंने, जो तमिलनाडु के गवर्नर है आरएन रवि, उन्होंने पॉलिटिकल फायर स्टॉर्म क्रिएट कर दिया जब उन्होंने बोला कि अडॉप्ट करना चाहिए 3-language formula, जिसमें उन्होंने हिंदी की बात की। तो यहाँ पे इस तरह के अगर वो स्टेटमेंट वो कहते देंगे तो यहाँ पे प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है, स्टेट के हिसाब से स्टेटमेंट देनी चाहिए यहाँ पे बोला जा रहा है। फिर उसके बाद में उन्होंने गवर्नर के रोल में एक और इंस्टांस यहाँ पे गिनवाते हुए बोला कि जो नीट का बिल है हम उसको रद्द करने की बात कर रहे हैं नीट को, लेकिन वो जो बिल है वो गवर्नर अपने पास रख के बैठ गए हैं, वो प्रेसिडेंट की नोड के लिए वो आगे भेज नहीं रहे, ये भी एक गलत बात है वो बोला जा रहा है। यूनिटी अमंग डिसेंटर्स क्या है, टसल बिटवीन सेंटर एंड स्टेट आर हार्डली न्यू, ठीक है जी। तो रेजिस्टेंस है जो डीएमके की या फिर एआईडीएमके की के नोटिफाई मतलब एक नोशन है कि जो हिंदी इम्पोजिशन वाला वो यहाँ पे प्रॉब्लम क्रिएट करता दिखाई दे रहा है। तो वो यहाँ पे बोलना चाह रहे हैं कि जो फेडरलिज्म है उसको एक टूल बना के चलो, उसको एक अच्छे वे से लेके चलो साथ में, ना कि उसको ख़राब तरीके से लेके चलो। तो यही है, प्रो पोर इम्पल्स होनी चाहिए, फेडरलिज्म को देखना चाहिए, यहाँ पे ये बातें की जा रही हैं। इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे फेडरलिज्म की चीज़ों को निकाल सकते हो, यहाँ पे मेंस में लिखने के लिए निकाल सकते हैं, यहाँ पे अगर आपको नीट के बारे में नहीं पता था या फिर
ये जो हिंदी लैंग्वेज फार्मूला के बारे में नहीं पता, तो यहाँ से चीज़ें निकल सकती हैं। और जीएसटी ने तो जो स्टेट्स है उसका जो रेवेन्यू है वो कम किया है, ये आपको भी पता है, वो हर एक बंदे को दिख रहा है। और यहाँ पे जीएसटी के अंदर दो चीज़ें थी, नंबर वन था कंपनसेशन, कंपनसेशन वाला टूल भी खत्म होने जा रहा है और वो उतना ज़्यादा मिला भी नहीं, और एक था रेवेन्यू न्यूट्रल रेट। रेवेन्यू न्यूट्रल रेट का मतलब क्या होता है? रेवेन्यू न्यूट्रल रेट का राजे मतलब होता है कि जो जीएसटी से पहले रेट था, लेट्स से 16% हर गुड्स एंड सर्विसेज पे जो स्टेट्स हैं वो अपना एक टैक्स लगाती थी, लेकिन वो अभी कुछ 12% है, तो रेवेन्यू न्यूट्रल रेट तो है ही नहीं, लेकिन सेंट्रल गवर्नमेंट ने ये चीज़ बोली थी। तो ये दो चीज़ें जो कंसर्न है जिससे मतलब हो रहा है ना कि भाई प्रॉब्लम क्रिएट, वो यहाँ पे देख रहे हैं। आगे देखते हैं एन ऑनेस्ट ट्रैकनिंग। यहाँ पे WHO के जो डायरेक्टर जनरल है वो गुजरात में आने के लिए बात कर रहे थे, ग्लोबल आयुष इन्वेस्टमेंट एंड इनोवेशन समिट जो यहाँ पे है ना, तो ये, लेकिन यहाँ पे डिस्प्यूट पैदा हो चुका है WHO और हमारी गवर्नमेंट के बीच में रिलेटेड टू कोविड डेथ, है ना, रिगार्डिंग द कोविड डेथ एक डिस्प्यूट यहाँ पे हमें पैदा होता दिखाई दे रहा है। और ये डिस्प्यूट है क्या, यहाँ पे डिस्प्यूट ये है कि रिपोर्ट जो न्यूयॉर्क टाइम्स में आई है वो उसने क्लेम किया WHO एस्टिमेट इंडिया काउंटेड फॉर 4 मिलियन डेथ, ठीक है जी, और अबाउट 8 times दी करंट ऑफिशियल टोल ऑफ 5.2 लाख। तो यहाँ पे WHO ये बोल रहा है कि जो इंडिया है उसमें ज़्यादा डेथ हुई थी एज़ कंपेरिजन टू जो सरकार दिखा रही है। तो यहाँ पे इस चीज़ की वजह से WHO और जो हमारी सरकार है उसके बीच में प्रॉब्लम क्रिएट हुई है। यहाँ पे ये बात है कि ए हाई डेथ टोल अंडरमाइंस इंडियाज ऑफिशियल डिस्कोर्स दैट इट इज़ परफॉर्म्ड बेटर देन सेवरल वेस्टर्न कंट्रीज। तो वो जो चीज़ थी कि वेस्टर्न कंट्री से अच्छा परफॉर्म किया, एक तो वो ख़त्म होती दिखाई दे रही है, दूसरा इंडिया काफ़ी टाइम से लैग कर रहा है हेल्थ में। लेकिन यहाँ पे अगर हम बात करें तो उन्होंने बोला तमिलनाडु केरला मिजोरम फॉर इंस्टांस 100% डेथ रजिस्ट्रेशन है, वो कहते हैं किस तरह से हम ये चीज़ को मान ले कि ये प्रॉब्लम आ सकती है, ठीक है जी। बाकी यहाँ पे इंडिया मस्ट ऑल्सो ऑफिशियली कमीशन अ टीम ऑफ एक्सपर्ट जहाँ पे वो ये जो डेथ वाला सीन जो इंसिडेंट है उसको हम फाइंड आउट कर पाएँ। और WHO के बारे में हमें और क्या पता होना चाहिए, यहाँ पे इसके बारे में बात करेंगे। पहली चीज़ जो है, WHO यूनाइटेड नेशन स्पेशलाइज्ड एजेंसी है और इसका हेडक्वार्टर है जेनेवा स्विट्जरलैंड में, 194 मेंबर स्टेट्स है, 150 कंट्री ऑफिसेज हैं, 6 रीजनल ऑफिसेज हैं, इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है जो कि वर्क करती है इन कोलेबरेशन विद दी मेंबर स्टेट्स। फिर आगे अगर हम बात करते हैं, WHO एक लीडरशिप प्रोवाइड करती है कि ग्लोबल हेल्थ का एक एजेंडा को आगे बढ़ाया जाए, और इट बिगेन फंक्शनिंग ऑन April 7, 1948, ए डेट नाउ बीइंग सेलिब्रेटेड एवरी ईयर ऑन दी वर्ल्ड हेल्थ डे, ठीक है जी। तो ये चीज़ हमें यहाँ पे याद रखनी है, ये चीज़ हमें पता होनी चाहिए थी। चलिए नेक्स्ट न्यूज़ की तरफ चलते हैं। जो नेक्स्ट न्यूज़ है वो है डीमोलिशन ड्राइव्स वॉयलेट यहाँ पे इंटरनेशनल लॉ। यहाँ पे बात की जा रही है, हमने पहले भी बात की थी कि कई लोगों ने जिन्होंने प्रॉब्लम क्रिएट की, कोई भी जो प्रोसेशन जा रहा था चाहे वो कोई शोभा यात्रा थे या जो भी थी, तो उस केस में हमने ये देखा कि MP में सरकार ने जिन लोगों ने प्रॉब्लम क्रिएट की थी उनके घर ही उड़ा दिए। तो उसके बारे में यहाँ पे चर्चा की गई है कि क्या ये इंटरनेशनल लॉ को वॉयलेट कर रहा है या नहीं कर रहा है। तो ये एडिटोरियल क्या कहता है उसके बारे में देखते हैं। राइट टू एडुकेट हाउसिंग की ये चीज़ बात करती है, द राइट टू हाउस इज नॉट ओनली अ फंडामेंटल राइट लेकिन रिकग्नाइज अंडर 21 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। लेकिन ये जो आर्टिकल मतलब एक वेल डॉक्यूमेंटेड राइट है जो कि इंटरनेशनल ह्यूमन राइट्स लॉ फ्रेमवर्क में भी है। अगर मैं आर्टिकल 25 ऑफ द यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स की बात करूं, वो बोलता है एवरीवन हैज़ द राइट टू अ स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग एडुकेट फॉर द हेल्थ एंड वेलबींग ऑफ हिमसेल्फ एंड ऑफ हिज फैमिली, ठीक है। तो आर्टिकल 25 ऑफ यूनिवर्सल जो हमारे डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स है उसमें भी लिखा हुआ है, नॉट ओनली इन आर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन बट इन दी ह्यूमन राइट्स का जो वहाँ पे आर्टिकल 25 है उसमें भी। यहाँ पे एक चीज़ है जिसका नाम है इंटरनेशनल कोविनेंट ऑन इकोनॉमिक सोशल एंड कल्चरल राइट्स ICESCR। तो इसमें एक आर्टिकल है 11.1, ठीक है जी, आर्टिकल है 11.1। तो इस आर्टिकल में क्या है, राइट ऑफ एवरीवन टू एन एडुकेट स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग फॉर हिमसेल्फ एंड हिज फैमिली इंक्लूडिंग एडुकेट फूड क्लोथिंग हाउसिंग एंड टू द कंटिन्यूस इंप्रूवमेंट ऑफ लिविंग कंडीशन। यहाँ पे बात की जा रही है फोर्स्ड एविक्शन की। ये जो ऑफिस ऑफ हाई कमिश्नर ऑफ ह्यूमन राइट्स है जिसको हम यूनाइटेड नेशंस ह्यूमन राइट ऑफिस बोलते हैं, इसका मैंडेट है टू प्रमोट और प्रोटेक्ट द ह्यूमन राइट्स ग्रांटेड अंडर द इंटरनेशनल लॉ,
has elaborated on the content of the right to adequate housing. According to the UN Human Rights Office, an integral element of the right to adequate housing is protection against forced eviction. Extremely important. ये चीज़ आपने यहाँ पे याद रख लेनी है. मेंस में हम इसको यूज़ कर सकते हैं. ठीक है, तो इस आर्टिकल में ऐसा कुछ और नहीं लिखा हुआ था, तो आप इस चीज़ को याद रखना है. चलिए नेक्स्ट चीज़ की तरफ बढ़ते हैं. नेक्स्ट जो चीज़ है हमने जो डिस्कस करनी है वो है अबाउट द टाई अप बिटवीन इंडियन फॉरेन वर्साइटीज सिंप्लीफाइड. देखिए पहले क्या होता था, यूजीसी ने यहाँ पे थोड़े स्ट्रिक्ट जो चीज़ें हैं वो बनाई हुई थी. यहाँ पे देखिए स्ट्रिक्ट थी और बोटलनेक्स भी थे. था क्या, पहले 2016 में जो रेगुलेशन आई उसमें यूजीसी ने ये बोला था अगर कोई इंडियन यूनिवर्सिटी बाहर की यूनिवर्सिटी से के साथ में टाई अप करना चाहती है तो पहले यूजीसी की अप्रूवल लेनी पड़ेगी. ठीक है जी, पहले ये कंडीशन थी. लेकिन अब उन्होंने बोल दिया कि सिंपल प्रोसीजर है, अगर कोई इंडियन हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन प्रोग्राम ऑफर कर रहा है या फिर करना चाहता है फॉरेन यूनिवर्सिटी के साथ मिलके, तो उसको मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग एक साइन करना पड़ेगा जिसमें उसको एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है जो वो मीट करना पड़ेगा. और वो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया बड़ा सिंपल है. नंबर वन, इंडियन हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन दैट हैज़ अ नेशनल असेसमेंट एंड एक्रीडिएशन काउंसिल ग्रेडिंग ऑफ 3.01. जो हमारी इंडियन हायर एजुकेशन वाली इंस्टीट्यूशन है जिसने टाइप करना है, अगर उसके पास ग्रेडिंग है 3.01 और अबव, या फिर वो 1000 टॉप QS वर्ल्ड यूनिवर्सिटी के बीच में आती है, या फिर टाइम्स हायर एजुकेशन रैंकिंग के बीच में आती है, या फिर टॉप 100 यूनिवर्सिटीज़ अंडर नेशनल इंस्टीट्यूशन रैंकिंग फ्रेमवर्क के अंडर आती है, विल बी एबल, वो फॉरेन किसी भी एजुकेशन इंस्टीट्यूशन के साथ टाइप कर सकती है जो कि टॉप 1000 QS या फिर टाइम्स हायर एजुकेशन रैंकिंग में आ रहा है. तो ये पहले बड़ा स्ट्रिंजेंट था, अभी यह क्या कर दिया, रिलैक्स कर दिया. ठीक है, तो यहाँ पे एक परमिशन लेने की या फिर अप्रूवल लेने की, प्रायर अप्रूवल लेने की जरूरत नहीं है, तो वो एक मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन करके आगे बढ़ सकते हैं. चलिए नेक्स्ट चीज़ की यहाँ पे बात करेंगे. इंडिया लीडर इन ट्रेडिशनल मेडिसिन सेज WHO चीफ. यहाँ पे मैंने आपको पहले भी बताया कि वो गुजरात में दौरे पे आए हुए हैं इस चीज़ के कि भाई किस तरह से मेडिसिन को आगे बढ़ाना, तो यहाँ पे आयुर्वेदा की उन्होंने बात की है. ठीक है, नेक्स्ट न्यूज़ की तरफ चलते हैं. जो नेक्स्ट न्यूज़ है हमारी वो क्या है, यहाँ पे जो FSSAI है मतलब फूड सेफ्टी स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया है, उसने बोला था कि जितने भी पैकेज्ड फूड हैं हम उस पर स्टार रेटिंग देंगे. जो स्टार रेटिंग है वो रहेगी 1 to 2 स्टार, 1, 2 से लेकर 5 स्टार तक रहेगी कि किस हिसाब से हेल्दी है. अगर 1 है वो अनहेल्दी है, 5 है तो वो हेल्दी है, इस तरह से वो स्टार रेटिंग देने की बात कर रहे थे. लेकिन यहाँ पे बात की ये की जा रही है कि इसके पीछे कोई स्टडी नहीं है कि अगर हम स्टार उस पे लगाते हैं तो वो जो लोग हैं उसको खाना बंद कर देते हैं अनहेल्दी फूड को या फिर कम कर देते हैं. ठीक है, तो यहाँ पे यही बोला जा रहा है कि अडॉप्ट इन ऑर्डर टू हेल्प कंज्यूमर टू रिड्यूस देयर इनटेक ऑफ अनहेल्दी फूड इज़ नॉट एविडेंस बेस्ड. ये एविडेंस बेस्ड नहीं है. तो यहाँ पे एक्सपर्ट क्या बोल रहे हैं, द एक्सपर्ट हैव सेड द हेल्थ स्टार रेटिंग सिस्टम अडॉप्टेड इन कंट्रीज ऑस्ट्रेलिया न्यूजीलैंड. उन्होंने कुछ भी ऐसा कुछ रिजल्ट नहीं दिया जिससे लोगों का बिहेवियर चेंज हो. नेक्स्ट न्यूज़ की तरफ बढ़ेंगे. नेक्स्ट न्यूज़ है जो हमने आज डिस्कस करनी है, रशिया शिफ्ट फोकस टू द ईस्टर्न यूक्रेन. ये भाई रुक ही नहीं रहा, तो कभी वेस्टर्न यूक्रेन कभी ईस्टर्न यूक्रेन, इस तरह से ये चीज़ें हो रही हैं. ये जो न्यूज़ है चाइना और सोलोमन आइलैंड्स को लेकर, ये मैंने पहले भी डिस्कस किया था कि यहाँ पे सिक्योरिटी एग्रीमेंट हुआ है लैंडमार्क. बात ये की जा रही थी कि सोलोमन आइलैंड्स पे यहाँ पे आप देखिएगा एक कंसर्न था न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रेलिया को लेकर, ऑस्ट्रेलिया का कि भाई वो वहाँ पे एक मिलिट्री बेस बना रहे हैं. लेकिन एग्रीमेंट में मिलिट्री बेस की कोई बात नहीं की गई है, चाइना के ये लोग बोल रहे हैं. एग्रीमेंट में बात की गई है कि एक कोऑपरेशन के साथ में काम किया जा रहेगा, मेंटेन करेंगे सोशल ऑर्डर को, प्रोटेक्शन करेंगे सेफ्टी ऑफ द पीपल्स लाइव्स एंड प्रॉपर्टी, ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस की बात की जा रही है, नेचुरल डिजास्टर रिस्पांस की बात की जा रही है. तो इस तरह से चाइना ने बात की है कि सोलोमन में हम ये काम करेंगे, ना कि वहाँ पे हम अपना बेस बनाएंगे. चलिए मैंने उस दिन भी आपको दिखाया था ग्लोब पे, लेकिन अब दोबारा से हम सोलोमन आइलैंड को देखते हैं. यहाँ पे आपको दिख रहा होगा कि ये ग्लोब है, तो सोलोमन आइलैंड है कहाँ पे, ये बहुत ही ज़्यादा क्लोज है किसके, ऑस्ट्रेलिया के. ठीक है जी, तो आई होप आपको
ये चीज़ समझ में आ रही होगी कि कहाँ पे इसकी लोकेशन है। ये देखिएगा, दिस इज़ द टिप ऑफ ऑस्ट्रेलिया एंड दिस इज़ आर सोलोमन आइलैंड, ठीक है जी। तो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, तो यहाँ पे अगर वो बेस बना लेता तो प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती थी। मोर ओवर यूएसए ऑस्ट्रेलिया न्यूजीलैंड के लिए कंसर्न की यहाँ पे बात थी, क्योंकि ये रहा न्यूजीलैंड, ठीक है जी। ये आपको न्यूजीलैंड दिख रहा है, ये ऑस्ट्रेलिया और ये है सोलोमन आइलैंड। अगर मैं सोलोमन आइलैंड के बारे में बात करूँ तो ये एक नेशन ऑफ 100 ऑफ आइलैंड्स है इन द साउथ पैसिफिक, ठीक है। आपने लोकेशन याद रखनी है, और हैज़ मैनी वर्ल्ड वॉर टू एरा साइट्स, ठीक है जी। तो यहाँ पे ग्वाडल कैनाल इज अ प्रोविंस एंड वन ऑफ द आर्किपेलागो लार्जेस्ट आइलैंड है। ऑनर्स फॉलन अलाइड सोल्जर एट इट्स यूएस वॉर मेमोरियल। ग्वाडल कैनाल इज ऑल्सो होम टू द नेशंस कैपिटल हुनियारा, ठीक है जी, हुज बसलिंग सेंट्रल मार्केट शो केस द आइलैंड प्रोड्यूस एंड ट्रेडिशनल हैंडीक्राफ्ट्स। तो ये चीज़ आपने याद रखनी है। प्राइम मिनिस्टर मनासी सोगावरे, ठीक है जी, जो जो बच्चे किसी स्टेट एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं उनके लिए ये भी इंपॉर्टेंट है। पॉपुलेशन कम है, कॉन्टिनेंट ओशियन है, करेंसी सोलोमन आइलैंड डॉलर, ठीक है जी। तो कैपिटल है हुनियारा। चलिए हम आगे न्यूज़ की तरफ बढ़ते हैं। ये हो गया सोलोमन आइलैंड की एक लोकेशन। आगे जो न्यूज़ है, IMF ने कट कर दिया इंडिया का फोरकास्ट टू 8.2% ऑन वॉर। देखिए, पहले जो फोरकास्ट था वो था कुछ 9.0% था, लेकिन अभी उसको कट करके अगर हम बात करें तो यहाँ पे उन्होंने कर दिया है 8.2%। उसका रीज़न एक ही एक है, जो कि रशिया और यूक्रेन की वॉर है, दैट्स वाई IMF ने किया है। अच्छा, आपने बताना क्या है अभी, IMF का हेडक्वार्टर कहाँ पे है? IMF का हेडक्वार्टर आपने कमेंट सेक्शन में बताना है, ठीक है जी। कल भी किसी बच्चे ने बताया था, तो आप अपनी कॉपी पे भी लिख सकते हैं, कमेंट सेक्शन में भी बता सकते हैं। तो कमेंट सेक्शन में बताओगे तो एक बार लिखा जाएगा, तो आपको पक्का तौर पे याद रह जाती हैं चीज़ें। IMF का भी बताना और वर्ल्ड बैंक का भी बताना है, ठीक है जी। और कल हमने जो पूछा था वो था OPEC का, ठीक है। OPEC का कहाँ पे? वीना ऑस्ट्रिया में। और इसके साथ में एक तो आपने IMF का बताना है, एक आपने बताना है यहाँ पे वर्ल्ड बैंक का, और एक आपने बताना है OECD का, ठीक है। तीन चीज़ों के हेडक्वार्टर बताने। आगे हम बात करते हैं OPEC की। देखिए, हमने कल भी बात की थी OPEC के बारे में, आज फिर OPEC की बात हो रही है यहाँ पे। यहाँ पे मैंने कल भी बताया था, ऑर्गेनाइजेशन फॉर पेट्रोलियम एक्सपोर्ट कंट्रीज, ठीक है। इसमें इतना ही है और कुछ नहीं है, इसको डिटेल में हम देख सकते हैं थोड़ा बहुत व्यू हो क्या है। जो OPEC है वो एक परमानेंट इंटरगवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है। बगदाद कॉन्फ्रेंस से ये बनी थी, और ये पहले किसने बनाया था? वेनेजुएला, ईरान, इराक, कुवैत, सऊदी अरेबिया, ठीक है। और इसका मेन एम क्या है? मैनेज करना है सप्लाई ऑफ ऑयल इन एन एफर्ट टू सेट द प्राइस ऑफ ऑयल इन द वर्ल्ड मार्केट। इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे? वीना ऑस्ट्रिया में। OPEC की जो मेंबरशिप है वो ओपन है टू एनी कंट्री दैट इज सब्सटेंशियल एक्सपोर्टर ऑफ द ऑयल। फिर उसके बाद में यहाँ पे बात किया गया, जो गैबिन है उसको टर्मिनेट कर दिया गया था इट्स मेंबरशिप इन जनवरी 1995, लेकिन उसने दोबारा से रीज्वाइन किया 2016 में। 2019 में इसके 14 कंट्रीज़ मेंबर हैं, ईरान, इराक, कुवैत, UAE, सऊदी अरेबिया, अल्जीरिया, लीबिया, नाइजीरिया, गैबन, इक्वाटोरियल गुइनिया, ठीक है जी, रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो, अंगोला, इक्वाडोर, वेनेजुएला आर दी मेंबर्स ऑफ OPEC, ठीक है। तो ये थी आज के बारे में, अपना OPEC के बारे में। तो ये लास्ट न्यूज़ थी आज की, ठीक है। और मैंने आपको बोला था कि जो उसका आंसर है कि जो रिपोर्ट है वो कौन रिलीज़ करता है, वो रिलीज़ करता है वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम, ठीक है जी। तो वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम रिलीज़ करता है, और वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम का हेडक्वार्टर कहाँ पे है? स्विट्ज़रलैंड, ठीक है जी, कॉलोनी स्विट्ज़रलैंड, ठीक है। तो स्विट्ज़रलैंड में वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम का हेडक्वार्टर, आपने इस चीज़ को याद रखना है। चलिए, अगले जो कल वाला न्यूज़पेपर है उसको भी अच्छी वे से डिस्कस करेंगे। उसके लिए आप हमारा जो चैनल है उसको सब्सक्राइब कर सकते हैं, इस वीडियो को आप शेयर कर सकते हैं, लाइक कर सकते हैं। थैंक यू।